और इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर महिला से 61,93,000 रुपए की साइबर ठगी की गई है। बता दें, कस्टम ऑफिसर बताकर महिला से ठगी को अंजाम दिया गया। मुंबई का कस्टम ऑफिसर बताकर ये साइबर ठगी की गई है। ठगों ने महिला के नाम से बुक पार्सल में ड्रग्स का मामला बताया और महिला को गिरफ्तारी के नाम पर ब्लैकमेल कर ठगी की है। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में ये पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वह सिविल लाइन पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दुर्गा प्रसाद, बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, बड़ी रकम यहाँ पर 61,93,000 की ठगी की गई। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी, बताना चाहूंगा, बिलासपुर के सिविल थाना क्षेत्र में एक महिला से 61 लाख की ठगी हुई है। महिला से मुंबई के कस्टमर अधिकारी बनकर महिला को कॉल आया, जिसमें महिला से 61,93,000 की ठगी की गई है। पहले तो महिला को कॉल आने के बाद उसे डराया गया है कि आप जो ऑर्डर किए हैं उसमें बुकिंग में ड्रग्स होने की जानकारी दी गई और उस पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी का नाम लेकर डराया गया, उसके बाद जो है वसूली की गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रसाद आपका जानकारी के लिए। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें, बिलासपुर से मामला सामने निकल कर आया, जहां पर कस्टम ऑफिसर बनकर एक महिला से बड़ी रकम वसूली गई। जी हां, 61,93,000 रुपए की ठगी यहां पर की गई है और अब इस पूरे मामले में पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो बता दें कि महिला के नाम से बुक पार्सल में ड्रग्स का पहले तो मामला बताया गया और उसके बाद इतनी बड़ी रकम यहाँ पर महिला से ठगी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स